क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो झारखंड बोर्ड से है। आज आप लोग को केमिस्ट्री के एक यूनिट है जिनका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी इस यूनिट के कुछ वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे। और ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू इंपॉर्टेंट है, और ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। एंटी हिस्टामिन क्या है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी हिस्टामिन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। अस्वापक क्या है, अस्वापक क्या है, तो चलिए इसको भी आप देख लोगे। तो आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। परिरक्षक क्या है, परिरक्षक क्या है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ना ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन का आंसर जो है हर हाल में आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उदाहरण के साथ प्रत्येक को समझाइए, उदाहरण के साथ प्रत्येक को समझाइए, इसको प्रतिजनन क्षमता औषधि, जवरनाशक, परसांतक, ये सब जो देख रहे हो ना ये सब इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को हर हाल में कंप्लीट करना है। तो जो आज की वीडियो में आप लोग को बोल रहे हैं वो सब क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो बोर्ड परीक्षा में जाके पछताओगे। तो ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम फालतू का क्वेश्चन आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं, और ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। एंटीबायोटिक से क्या है, एक उदाहरण दीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने दिया हुआ है, प्रतिरोधी को एक उदाहरण के साथ समझाइए, स्वापक क्या है, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, प्रति अम्ल एंटा एसिड तथा पीड़ा हैरी क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो देख रहे हो नहीं ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है और तगड़ादार क्वेश्चन है, प्रति अम्ल तथा पीड़ा हैरी क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवाणुनाशी क्या है, जीवाणुनाशी क्या है, इसके बारे में आप लोग को बतलाना है, जीवाणुनाशी क्या है, इस चीज के बारे में आप लोग को क्या करना है इस वीडियो में बतलाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विसंक्रामक का, विसंक्रामक क्या है, दो उदाहरण दें, ये भी क्वेश्चन तगड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को नहीं छोड़ना है, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना है। चलिए कृत्रिम मधुरक क्या है, ये कृत्रिम मधुरक जो देख रहे हो ना ये कृत्रिम मधुरक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको हर हाल में कंप्लीट कर लेना है, कृत्रिम मधुरक, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कंप्लीट कर लोगे। तो आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन आप लोग को बोले हैं बाबू, ये सब क्वेश्चन का आंसर जो है हर हाल में आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन विसंक्रामक क्या है, दो उदाहरण दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन का आंसर जो है ना बाबू आप लोग का हर हाल में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एस्पिरिन, एस्पिरिन का संरचना सूत्र लिखें, तो इसको भी आप देख ही लोगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए आप लोग देख ही लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना। आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जो बाबू चैनल पर नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद।